नया उदित होने वाला होता है नवोदित, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश होता है नदी मात्रक, नया नया आया हुआ होता है नवागंतुक, नगर में जन्म लेने वाला नागरिक होता है, निशी में विचरण करने वाला या होता है निशाचर। ठीक है, निशी मतलब क्या होता है? रात, रात को पर्यायवाची है निशी या निशा। ना हो सकने वाला होता है असंभव या अशक्य, जो बहुत ठंडा ना हो ना बहुत गर्म हो, होता है सम शीत उष्ण। ठीक है, सम शीत और उष्ण से मिलकर के बना है सम शीत उष्ण। इसमें कौन सी संधि लग रही है? इसमें लग रही है गुण संधि। नए युग का या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला होता है नव युग निर्माता। ठीक है, युग निर्माता। अब हम यहां पर पर्यायवाची शब्द देखना शुरू करते हैं। पर्यायवाची यहां पर देखेंगे हम लोग काफी सारे, जिससे आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है? ज्यादातर इस तरीके का मैंने देखा है, सीसेट में एक ही क्वेश्चन होता है। वो वहां पर पूछते हैं डैश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? मान लीजिए कोई भी शब्द दे देंगे आपको, मान लीजिए कमल दे देंगे, और फिर कहेंगे कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। तो तीन कमल के पर्यायवाची होंगे ऑप्शन में, और एक रॉन्ग वाला होता है जिसको आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पर्यायवाची की लिस्ट यहाँ पर मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सारे हैं हमारे पास, और इसको आप देखते ही काफी सारे वर्ड अपने तैयार कर ले जाएंगे, और एग्जाम में जो आपका एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा उसको सही कर लेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा पर्यायवाची से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारे नहीं रीड करूंगा, वैसे तो काफी सारे आपको पता भी होंगे। ठीक है, जैसे खद्योत का मतलब होता है जुगनू, सोन किरवा, पट बिजना या भग जोगिनी, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये खद्योत काम को नहीं बता होता है। खटमल का मतलब होता है मत्कुड़, खटकीट और खटकीड़ा। ठीक है, खाट में रहने वाला कीड़ा होता है खटकीड़ा, खटकीट और मत्कुड़। खलक का मतलब होता है दुनिया, जगत, जग, विश्व, जहान। और खल का मतलब होता है दुष्ट, बदमाश, दुर्जन, गुंडा। और खरगोश का मतलब होता है शशक, शशा और खरहा। खग का मतलब पक्षी, द्विज, विहग। द्विज से क्वेश्चन आया था यूपीपीसी सीसैट 2013 में। ठीक है, द्विज से उन्होंने पूछा था कि कौन सा द्विज का नहीं होगा, वैसे तो वो एक अनेकार्थी था। ठीक है, क्योंकि द्विज एक अनेकार्थी शब्द भी है, द्विज का मतलब दांत भी होता है, और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, और द्विज का मतलब पक्षी भी होता है। तो ब्राह्मण, पक्षी और ये दांत दिया हुआ था, एक और कोई दिया हुआ था, उसको आपको चूज करना था ऑप्शन में। ठीक है, तो अनेकार्थी पर भी आएंगे, पहले पर्यायवाचियों को खत्म करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो खंभे का हो जाएगा स्तूप, स्तंभ और खंभ। ठीक है, वैसे तो स्तूप अलग चीज है, बौद्ध धर्म में स्तूप अलग बताया गया है, वहां पर अस्थियां रखी जाती थी और फिर उसके ऊपर जो है बनाया जाता था। खुदगर्ज का मतलब हो जाता है स्वार्थी, मतलब ही स्वार्थ परायण। खून का मतलब होता है लक्त, रहु, शोणित और रुधिर, रुधिर। ठीक है, और खुदा, राम, रहीम, अल्लाह और परवरदिगार, ये सब ये इतने कॉमन नहीं आते हैं। खिल्ली का मतलब है मखौल, ठिठोली, उपहास। खाविंद का मतलब होता है पति, भरतार, साजन, सैया। गणेश, गणेश का हो जाता है विनायक, गजानन। और गजानन क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे गज जैसा उसका उनका मुख है। ठीक है, हाथी जैसा मुख है गणेश जी का, इस वजह से गजानन। गौरी के वो पुत्र हैं, इस वजह से गौरी नंदन। मूषक उनका वाहन है, इस वजह से मूषक वाहन। गजवदन, विघ्न नाशक भवानी नंदन। भवानी जो है गौरी जो है ये पार्वती जी का ये है आपका पर्यायवाची। विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोदक उनको पसंद है। मोददाता, आनंद के दाता हैं। गणपति कहते हैं, गणनायक कहते हैं, शंकर सुवन कहते हैं, लंबोदर, महाकाय और एकदंत, बहुत सारे हैं गणेश जी के। और उसके बाद गंगा के भी उतने ही ज्यादा हैं, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णु पगा, देव पगा, ध्रुव नंदा। ठीक है, सुर सरिता, देव नदी, जाह्नवी, सुरसरी, अमर तरंगिनी, विष्णुपदी, नदीश्वरी और त्रिपदगा। गज, हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा और मदकल। गाय का मतलब हो जाता है गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, दोग्धी और रोहिणी। ठीक है, रोहिणी गाय का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है। गृह का हो जाता है घर, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास। आगार भी होता है, आयतन भी होता है, आलय, निकेत, निलय, ये सब होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएं तो गाने का होता है गीत, नगमा, तराना। गाफिल का होता है बेखबर, बेपरवाह, असावधान। और गगन का व्योम होता है, अंतरिक्ष होता है, नभ होता है, नभ में उड़ने वाले को कहते हैं नभचर यानी पक्षी। आकाश, आसमान
गंवार का होता है उजड़, अशिष्ट, असभ्य। गरुड़ का होता है खगेश, पत्रगारी, उर्गारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्ण और विषमुख। ठीक है, इसको हमने उर्ग आरी क्यों कहा है? उरग का मतलब होता है सांप, ठीक है, उरग और अरी से मिलकर के बना है उर्गारी। ठीक है, इस पर दीर्घ संधि काम करती है आपकी, उर्गारी होता है यानी सांप का शत्रु। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी देख ही चुके हैं हम लोग। गुरु का होता है शिक्षक, आचार्य और उपाध्याय। ठीक है, गिरिराज का होता है हिमालय, पर्वतराज, पर्वतेश्वर, शैलेंद्र, गिरीश, गिरीन्द्र। गीदड़ का होता है श्रृंगाल, सियार, जंबुक। गुनाह का होता है अपराध, कसूर, खता, दोष। गुलामी का होता है दासता, परतंत्रता, परवशता। गेहूं का होता है कनक, गोधूम और गंदुम। गोद का होता है अंक, क्रोड़ और गोदी। ग्रामीण का होता है ग्राम्य, ग्रामवासी और देहाती। और ग्राह का होता है मगरमच्छ, घड़ियाल, मगर और झसराज। ठीक है, तो झसराज ये ध्यान रखिएगा, ये जनरली नहीं पता होता लोगों को। गधा का खर और गर्दभ, धूसर, रासभ, बेशर, वैशाख नंदन। ठीक है, गधे से आरओ को बहुत प्यार है, आरओ एग्जाम जब भी होता है तो गधे पर पूछ लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। घृत का हो जाता है घी, अमृत और नवनीत। और घटना का होता है हादसा, वारदात, वाक्या। घन का होता है मेघ, बादल, घटा, अम्बुद और अम्बुधर। ठीक है, अम्बुधर क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्बु का मतलब क्या होता है? पानी। जिसने पानी को धारण किया है वही तो बादल होते हैं, वही आपको पानी देते हैं। ठीक है, अम्बुद भी इसीलिए कहते हैं यानी कि पानी देने वाला। ठीक है, घपला का होता है गोलमाल, घोटाला। घुड़सवार का अश्वारोही होता है, तुरंगारूढ़ होता है। तुरंगारूढ़ हमने क्यों कहा इसको? तुरंग है ये और आरूढ़ है। आरूढ़ का मतलब होता है चढ़ा हुआ, ठीक है, किसी के ऊपर चढ़ा हुआ। और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, यानी जो घोड़े पर बैठा हुआ है वो है घुड़सवार। इसमें तुरंग और आरूढ़ में कौन सी संधि लग रही है? दीर्घ संधि है ना। बढ़ते हैं आगे। घास का हो जाता है तृण, दूर्वा, दूब, कुश और शाद। उसके बाद चंद्र के भी बहुत सारे होते हैं, सुधांशु, सुधाधर, राकेश, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, हिमांशु, इंदु, सुधाकर और विधु, शशि, चंद्रमा और तारापति। ठीक है, उसके बाद निशानाथ भी कहते हैं इसको, कलाधर भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं और कलानिधि भी कहते हैं। चतुर को कहते हैं विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण और योग्य। चोर को कहते हैं तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक और साहसिक। ठीक है, और चांदनी को कहते हैं चंद्रिका, कौमुदी और ज्योत्सना, चंद्र मरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा और जुन्हाई। ठीक है, उसके बाद चांदी को कहते हैं रजत हम लोग, सौद कहते हैं, रूपा भी कहते हैं, रूपक भी कहते हैं, रौप्य भी कहते हैं और चंद्रहास भी कहते हैं। ठीक है, चंट को चालाक, घाघ कहते हैं, ये सब नहीं आते हैं। चंडी ये आ सकता है, दुर्गा, अम्बा, काली, कालिका, जगदम्बिका, भगवती। और चंदन का हो जाएगा गंधराज, गंधसार और मलयज, यानी मलय में जन्मा हुआ, मलय पर्वत पर जन्मा हुआ होता है आपका चंदन। चार बाग का हो जाएगा बगीचा, उपवन और उद्यान। चर्मकार का हो जाएगा मोची, पादुकाकार और चमार। और चना का हो जाएगा चाणक, रहिला और छोला। और चतुरानन का हो जाएगा विधाता। चतुर आनन का मतलब क्या है? आनन का मतलब मुख होता है यानी कि जिसके चार मुख हों। चार मुख किस भगवान के बताए गए हैं? ब्रह्मा के। ठीक है, ब्रह्मा के चार मुख बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो चना का चणक होता है, ये कई बार आरओ ने पूछा है। चना जो है ये आपका तद्भव शब्द है, चणक जो है आपका तत्सम शब्द है। चारू का होता है कमनीय, मनोहर, आकर्षक, खूबसूरत। चावल का हो जाता है तंदुल, धान, भात। चिट्ठी का हो जाता है पत्र, पाती और खत। चिराग का दिया, दीपक, दीप, शमा। चूहा का हो जाता है मूसा, मूषक और उंदूर। और चेरी का हो जाता है दासी, सेविका, बांदी, नौकरानी और अनुचरी। चेला का हो जाता है शागिर्द, शिष्य, विद्यार्थी। चेहरा का हो जाता है शक्ल, आनन, मुख और मुखड़ा। हमने बताया था आनन का मतलब क्या होता है? चेहरा, मुख, ये सब। चोरी का हो जाता है स्तेय, जैसे अस्तेय बताया गया है आपके जैन धर्म में, उसी प्रकार से ये चोरी का चौर्य भी होता है, मोक्ष भी होता है, प्रमोक्ष भी होता है। ठीक है,
और जो चोरी करता है उसको कहते हैं मोशक, चोरी करने वाले को क्या कहते हैं मोशक। और आगे अगर हम देखें तो चौमासा का होता है वर्षा काल, वर्षा ऋतु बरसात, चोटी का होता है मूर्धा, शीश, सानू और श्रृंग। ठीक है, वैसे तो श्रृंग सींग को भी कहते हैं और चोटी को भी कहते हैं। छतरी का हो जाता है छत्र, छाता, छत्ता। छली का हो जाता है छलिया, कपटी, धोखेबाज। छवि का हो जाता है शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रतिभा। छंटनी का हो जाता है कटौती, छंटाई, कांट, छांट। और छल का हो जाता है दगा, ठगी, फरेब और छलावा। छटा का हो जाता है शोभा, छवि, सुंदरता, खूबसूरती। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छाछ का दही, मट्ठा, लस्सी, छाछी हो जाता है। छाती का सीना, वक्ष, उर, वक्षस्थल होता है। छींटा कशी का होता है ताना, व्यंग, फप्ती और कटाक्ष। ठीक है, छोर का हो जाता है नोक, कोर, किनारा और सिरा। और छेरी का हो जाता है बकरी, छागी और अजा। ठीक है, अजा ये ध्यान रखिएगा, ये बाहर आ चुका है। जल का क्या होता है मेघ पुष्प, ये यहां पर ये होगा अमृत, सलिल, वारि, नीर, तोय, अंबु, उदक, जीवन, पय और पेय, ये पानी के ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जहर, तो जहर का हो जाएगा गरल, कालकूट, माहुर और विष। जगत का हम लोग देख चुके हैं। जीभ का होता है रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा और जबान। जंगल का हो जाता है विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, बीढ़, बीहड़ और विटप। ठीक है, ज्योति का हो जाता है आपका आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, रुचि और रोचि। ठीक है, और जहाज का होता है पोत और जलयान, इसके दो ही होते हैं। सीता का होता है जानकी, वैदेही, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी, जनक तनया और जनकात्मजा। इसमें आप देखो कि जनक से इनका बनाया है, जनक तनया यानी जनक की पुत्री, जनक आत्मजा यानी जनक की पुत्री, आत्मजा और तनया एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जिसका मतलब होता है बेटी। और जनक सुता, सुता का मतलब ही होता है बेटी, और सीता का मतलब होता है हल्की नोक। जंग लड़ाई, संग्राम, समर, युद्ध। जैफी का मतलब होता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा और बुजुर्गी। जत्था का मतलब गुट, दल, समूह, टोली और गिरोह होता है। जनक का मतलब होता है पिता, वालिद और तात यानी कि फादर को मिला करके। ठीक है, जननी का होता है माँ, माता, मम्मी, अम्मा, वालिदा। और जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग, सुरधाम, वैकुंठ और सुरलोक और हरिधाम। जन्मांध किसको कहा गया है, सूरदास को। अंधा, आंध्रा, नेत्रहीन। जबह कहा गया है वध को, हत्या को, कत्ल को और खून को। ठीक है, जमाई का होता है जामाता, जमाई और दामाद। उसके बाद जमीन का होता है धरती, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। उसके बाद जय के पर्यायवाची बनेंगे जीत, फतेह और विजय। जरट के बनेंगे वृद्ध, बूढ़ा। और जलाशय का बनेगा तालाब, तलैया, तड़ागा, तड़ाग, पोखर, सरोवर। ठीक है, इसमें तड़ाग ऐड कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। जवान का हो जाएगा तरुण, युवक, नौजवान और युवा। जहन्नुम का हो जाएगा नरक, दोजख, यमपुरी और यमलोक। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ये हो जाएगा। जहीन का हो जाएगा बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी, मेधावान और तीक्ष्ण बुद्धि। जांग का हो जाएगा उरु, जघन, जंघा और रान। और जाई का हो जाएगा बेटी और कन्या, पुत्री और लड़की। जासूस का हो जाएगा गुप्तचर, भेदिया और खुफिया। जिंदगी का हो जाएगा जिंदगानी, जीवन, हयात। जिल्लत का हो जाएगा अपमान, तिरस्कार, अनादर, तौहीन, बेइज्जती। जिस्म का हो जाएगा देह, बदन, शरीर, काया, वपु। और जीव का हो जाएगा रूह, आत्मा, प्राण, जीवात्मा। उसके बाद अगर हम देखें तो जीविका का हो जाएगा रोजी रोटी, आजीविका, वृत्ति। जुल का हो जाएगा धोखा, फरेब, दगा, छल। जुलाहा का बुनकर, कोली, कोरी। चौहड़ का तालाब, तलैया, तड़ाक, सरोवर, जलाशय। ज्ञानी का विद्वान, सुविज्ञ, आलिम, विवेकी और ज्ञानवान। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो झरना का उत्स, स्रोत, प्रपात कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। निर्झर और प्रस्त्रवण, ठीक है, प्रस्त्रवण। झंडा का ध्वज, पताका और केतु होता है। झंझा का होता है आंधी, बवंडर, झंझावत, तूफान। झांसा का होता है दगा, धोखा, फरेब, ठगी। झींगुर का होता है झिल्ली, जंजीरा और झिल्लिका। ठीक है,
टक्कर का होता है मुठभेड़, लड़ाई मुकाबला। टहलुआ का होता है खिदमतदार, सेवक, नौकर। टांग का होता है पैर, टंक, पैर। और टीका का होता है तिलक, चिन्ह, दाग, धब्बा। टोना का होता है टोटका, जादू, यंत्र मंत्र और लटका। टंटा का होता है झगड़ा, लफड़ा, पचड़ा, झंझट। ठीक है। टसुआ का होता है इश्क, सॉरी अश्क, अश्रु और आंसू। टहनी का होता है डाल, डाली, वृंत, उपशाखा और प्रशाखा। और टहल का होता है सेवा, परिचर्या, खिदमत और शुश्रूषा। ठीक है। ये शुश्रूषा की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको सही कर लीजिएगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ये सही स्पेलिंग है। ठीक है। ठंड, शीत, सर्दी, ठग, छली, छलिया, फरेबी, वंचक, धूर्त। और ठिंगना का होता है बौना, वामन, नाटा। और आपका ठठरी का होता है कंकाल, पंजर, अस्थि पंजर। ठीक है। और बाकी हम देख ही चुके हैं, ठीक का मतलब होता है उपयुक्त, उचित और मुनासिब। उसके बाद अगर हम देखें तो ठहाका का मतलब होता है अट्टहास, खिलखिलाना और कहकहा करना। ठाकुर द्वारा कहते हैं मंदिर को, देवालय को, शिवाला को, देवस्थान को। ठीक है। बेसिकली सनातन से रिलेटेड। और ठुड्डी का मतलब होता है हनु, चिबुक और ठोड़ी, यानी कि आपकी चिन्ह। और ठेस का मतलब होता है चोट, आघात और धक्का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपको इसमें बता देते हैं, डाकू का पूछा जा सकता है लुटेरा, डकैत, बटमार और राहजन। ठीक है। डोली का होता है पालकी, मियाना और डोला। डाह का होता है द्वेष, ईर्ष्या, जलन और कुड़न। और डगर का होता है राह, रास्ता, पथ, मार्ग और पंथ। और डंस का मतलब मच्छर होता है, मस होता है और मच्छर होता है। ठीक है। और डाली का मतलब होता है भेंट और उपहार। आगे ढब का मतलब होता है ढंग, रीति, तरीका, ढर्रा, यानी कि मैनर जिसको कहते हैं। और ढोर का मतलब होता है चौपाया और मवेशी। ढोल का ढोलकी, ढोलक, पटह और प्रणव होता है। और ढीठ का मतलब होता है दृष्ट, उद्दंड, दुस्साहसी। और ढिग का मतलब होता है समीप, निकट, पास और आसन्न। ढील का मतलब होता है शिथिलता, सुस्ती, अतत्परता। ढीला से रिलेटेड जो है एक बार आया था अभी UP SSSC लोअर के एग्जाम में। ठीक है। UP SSSC लोअर जो लेटेस्ट वाला री एग्जाम हुआ था 28 जुलाई 2019 को। ठीक है। तो आता यही सबसे है, कोई भी आ सकता है। तो उनको सारे कवर करने पड़ेंगे, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए। तोता का होता है आपका सुग्गा, शुक, सुवा, कीर, रक्ततुंड और दाड़िम्प्रिय। ठीक है। उसके बाद तरुवर होता है वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, रूख और पादप। तरकस का मतलब होता है तूण, तुणीर, तृण, निषंग और इषुधि। ठीक है। तरकस का मतलब क्या है, जिसपे तीर रखते हैं। ठीक है। ये पुराने जमाने में आर्य लोगों के समय पर ये रखा जाता था कंधे पर, जिसमें तीर रखे जाते थे, वहां से निकाल करके धनुष में फंसा के चलाया जाता था। ठीक है। और तंज का मतलब कटाक्ष, ताना, ये फब्ती, छींटा, कशी। तंदुल का मतलब होता है चावल, धान, अक्षत और चाउर। ठीक है। अक्षत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। अक्षत अनेकार्थी शब्द भी है। अक्षत का मतलब होता है कि जिसको कोई आघात ना हो, ठीक है, जिसकी क्षति ना हो सके, वो अक्षत होता है। बल्कि चावल तो तोड़े भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं कुछ लॉजिक से चावल को अक्षत। और तदबीर को तरकीब, उपाय, युक्ति बोलते हैं। तन को मैं छोड़ छोड़ के इसको जिस बता रहा हूँ, जिसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तन का मतलब काया, देह, शरीर, बदन और तनु होगा। और तपेदिक का मतलब टीबी होता है, राजय, क्षमा होता है, यक्षमा होता है रोग, और दिक होता है। ठीक है। तामारी सूरज के जितने पर्यायवाची हैं उसमें से एक और कंक्लूड कर लीजिए। तमारी यहां पर लिखा है, समझ लेते हैं। तम का अरी है सूरज। तम का मतलब क्या होता है, अंधेरा। और अरी का मतलब क्या होता है, शत्रु। तो तम का शत्रु कौन है, सूरज। तभी इसको तम अरी या फिर तमारी कहा गया है। ठीक है। दीर्घ संधि लग रही है इसमें। तरणी का हो जाएगा नौका, नाव, कश्ती और नैया। और तबाह का हो जाएगा ध्वस्त, नष्ट, बर्बाद। तमा का हो जाएगा रजनी, रात, निशा, रात्रि। और तथागत किसको कहा गया, बुद्ध को। ठीक है। गौतम को, बोधिसत्व को, सिद्धार्थ को, बुद्ध को। ठीक है। तड़ित का मतलब होता है विद्युत और बिजली, दामिनी, सौदामिनी और गाज। तहजीब का मतलब संस्कृति, सभ्यता और तमद्दुम। ठीक है। तिजारत का मतलब होता है व्यवसाय, व्यापार, सौदागिरी। तिरिया का मतलब होता है स्त्री, औरत, महिला और ललना। और तीमारदारी का
मतलब होता है सेवा टहल परिचर्या और सेवा शुश्रूषा। ठीक है, एक बार फिर से शुश्रूषा की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, छोटी यू की मात्रा है कि यहाँ पर सा की जगह शा आएगा। ठीक है, त्वचा का मतलब होता है खाल, चमड़ी और चर्म। तीर का मतलब होता है शर, बाण, विशिख, शिलीमुख, अनि और सायक। ठीक है, थोड़ा का मतलब होता है अल्प, न्यून, जरा और कम। थाती का मतलब होता है जमा पूंजी, धरोहर, अमानत। थाक का मतलब होता है ढेर, समूह। थप्पड़ का मतलब झापड़, तमाचा। ठीक है, और कानपुर में इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, कंटाप। और थल का मतलब होता है स्थान, स्थल, भूमि, जगह। थवाई का मतलब राज, राजगीर, मिस्त्री और राजमिस्त्री होता है। थोथा का मतलब होता है सारहीन, खोखला और खाली। और थोबड़ा का मतलब क्या होता है, मुखड़ा, मुंह, और ये थूथन भी कहते हैं इसको। थंब का मतलब होता है खंभा और स्तंभ। उसके बाद अगर हम देखें तो दुग्ध का होता है दूध, दोहज, पीयूष, क्षीर, पय, गौरस और स्तन्य। और दास का होता है नौकर, चाकर, परिचायक, अनुचर, भृत्य और किंकर। दुख का मतलब वेदना होता है, संताप होता है, क्लेश, यातना, यंत्रणा, शोक, पीर। और देवता का मतलब क्या क्या होता है, सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण और अदिति, नंदन, अमर्त्य, जो कभी मरते नहीं उनको देवता कहते हैं, आदितेय, दैवत, अजर, जो कभी बूढ़े नहीं होते उनको भी देवता कहते हैं, और विबुध। ठीक है, और दैत्य किसको कहते हैं, असुर को, इंद्रारी को यानी इंद्र के शत्रुओं को, धनुजों को, दानवों को, दितिसुर को और दैतेय को, राक्षस को। दधि यानी कि दही, गोरस, मट्ठा और तक्र। दरिद्र का हो जाएगा आपका निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल और दीन। और दिन का हो जाएगा दिवस, याम, दिवा, प्रमाण, वासर और आहर। दीप का दीपक, दिया, प्रदीप। दुष्ट का पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, पामर। दांत का हो जाएगा दशन, रदन, रद, द्विज, दंत और मुख खुर। दर्पण का हो जाएगा शीशा, आरसी, आईना और मुकुर। दुर्गा का हो जाएगा चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी और कामाक्षी। शताक्षी भी होता है एक, ठीक है, शताक्षी भी होता है, इसका सही स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप। सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चामुंडा और चंडी। ठीक है, और दया का मतलब होता है अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, वेदना, सहानुभूति और सांत्वना। देव का मतलब होता है अमर, देवता, सुर, निर्जर, वृंदारक और आदित्य। दंगल का होता है कुश्ती, मल्लयुद्ध, पहलवानी और बाहुयुद्ध। और दक्ष का मतलब होता है निपुण, प्रवीण, चतुर, कुशल, होशियार। उसके बाद अगर हम देखें तो दम का मतलब होता है ताकत, बल, शक्ति और दमखम। दर का मतलब होता है भाव, मूल्य, कीमत और रेट। दरख्त का मतलब होता है वृक्ष, तरु यानी कि वृक्ष के जितने भी होते हैं उसमें एक दरख्त भी जोड़ लीजिए आप। दरिया दिल उदार होता है, दानशील होता है, दानी होता है। और दरीचा का मतलब होता है खिड़की, गवाक्ष और झरोखा। ठीक है, दशकंधर का होता है दशानन, लंकापति और दशकंठ, रावण। और दस्तूर का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा और चलन। दादा का होता है पितामह, बाबा और आजा। दादुर का होता है मेंढक, मंडूक, भेक। उदारा का होता है बीवी, पत्नी, अर्धांगिनी, वामांगिनी, गृहिणी। दिवंगत का मतलब हो जाता है स्वर्गीय, मृत, मरहूम और परलोकवासी। ठीक है, दीदा का होता है नेत्र, नयन, आंख और चक्षु। तो हर बार आपको कुछ ना कुछ एडिशन मिलते जाएंगे। ठीक है, अपने जब चा पढ़ रहे थे हम लोग तो चा से चक्षु पढ़ा था, उसके पर्यायवाची, एक और ऐड हो गया यहाँ पर दीदा। उसके बाद दुर्गुण का मतलब होता है अवगुण, ऐब, बुराई और खामी। दुर्जन का मतलब होता है शठ, असज्जन, खल, दुष्ट। दुर्भिक्ष का मतलब अकाल होता है, दुकाल, दुष्काल और सूखा। दुर्लभ का मतलब होता है अलभ्य, दुष्प्राप्य और अप्राप्य। और दुष्कर का मतलब होता है कठिन, दुसाध्य, दूभर, मुश्किल। देश का मतलब राष्ट्र, राज्य या मुल्क होता है। देशज का मतलब देश, जात यानी देश में जन्मा, देशीय, देसी, मुल्की और वतनी। ठीक है, देशाटन का मतलब होता है यात्रा, विहार, पर्यटन, देश भ्रमण। देहाती का मतलब ग्रामवासी, ग्रामीण, ग्राम्य। द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर, दाख, रसा और रसाला। ठीक है, और द्वेषी का मतलब होता है विद्वेषी, ईर्ष्यालु, विरोधी। द्वैत का मतलब होता है जोड़ा, युगल, द्वय, यमल, युग और युति।
और द्वैपायन का मतलब होता है वेद व्यास, और पराशर और कृष्ण, और देह का मतलब होता है काया तन शरीर वपु उगात। धन दौलत संपदा वित्त ये होते हैं दूसरे के पर्यायवाची। धरा धरती, वसुधा जमीन, पृथ्वी भू भूमि धरणी वसुंधरा, अचला मही रत्नावती और रत्नगर्भा कहते हैं धरती को। ठीक है, हमारी धरती रत्न उगलती है समानते हैं। धराधीश हो जाता है सम्राट, जहांपनाह नृप नरेश महीप महीपति। ठीक है, जैसे मही धरती कहते हैं, महीप यानी कि धरती का आपका मालिक, धरती का स्वामी। धान का जो हो जाता है चावल, तंदुल, शाली और व्रीह। गाय के पर्यायवाची में एक और जोड़ लीजिएगा धेनु, और मछुआरे में धीवर भी होता है एक। धीरज में सब्र, संतोष, तसल्ली, धैर्य, दिलासा आ जाएगा। और अक्ल के जितने पर्यायवाची हैं उसमें आप धी भी जोड़ लीजिए। ठीक है, धी। उसके बाद धनुष, चाप होता है, धनुष का मतलब शरासन होता है, शर का आसन होता है, कोदंड होता है, पिनाक होता है, सारंग होता है और धनु होता है। सारंग एक अनेकार्थी शब्द है, इसके 11 करीब अर्थ निकलते हैं। ठीक है, सारंग सांप को भी कहते हैं, और आप सारंग चांद को भी कहते हैं, सारंग सूरज को भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करीब 11 इसके अर्थ होते हैं। नदी के हम काफी पर्यायवाची देख चुके हैं, इसमें शववालिनी, आपगा और निम्रगा ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्रोतवाहिनी, कूलंकषा, तटिनी, जयमाला, तरंगिणी, दरिया और निर्झरिणी। और नौका के होते हैं तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी भी होता है, बेड़ा भी होता है, डोंगी भी होता है और पतंग भी होता है। ठीक है, और नाक का होता है विषधर, भुजंग, अहि, उरग, काकोदर, फणीश। और सारंग, देखिए सारंग एक अनेकार्थी शब्द है, उन्होंने बताया। व्याल भी कहते हैं इसको, सर्प भी कहते हैं और सांप भी। नर्क का मतलब होता है नरक, यमालय, यमपुर, यमलोक। नर का होता है जन, मानुज, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य और मनुज। निंदा का मतलब होता है दोषारोपण करना, फटकार लगाना, बुराई करना, भर्त्सना करना किसी की। ठीक है, यानी क्रिटिसाइज करना। नेत्र का मतलब चक्षु, लोचन, नयन, अक्षी, अक्षु, चख और आंख होता है। नंदिनी का मतलब बेटी, पुत्री, अंगजा, तनुजा, सुता और दुहिता होता है। नक्षत्र का हो जाता है पर्यायवाची उडु, तारिका, नखत और जुनाई। नगपति का होता है हिमालय, पर्वतराज, पर्वतेश्वर, नगेश, नगेंद्र और आपका शैलेंद्र। और नजीर का हो जाता है मिसाल, दृष्टांत, उदाहरण। नशेमन का हो जाता है घोंसला, आशियाना, नीड़। नसीहत का होता है शिक्षा, सीख, उपदेश। नसैनी का हो जाता है जीना, सीढ़ी और सोपान। ठीक है, और नाऊ का हो जाता है हज्जाम, नापित, नाई, नौठाकुर, क्षौरकार। ठीक है, क्षौरकार। और नामर्द का हो जाता है नपुंसक, पुंसत्वहीन और क्लीव। नारी का हो जाएगा स्त्री, वनिता, महिला, मानवी। और नाविक का हो जाएगा केवट, खेवट, मल्लाव, खिवैया। नाहर का हो जाएगा शेर, सिंह, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी और केहरी। एकांत जगह को कहते हैं निर्भृत, निर्जन, जनशून्य, विजन, वीरान, सुनसान। नियम को कहते हैं उसूल, सिद्धांत, विधि और रीति। निरक्षर को कहते हैं अनपढ़, अपढ़, अशिक्षित। और लाइल्म, निराला को कहते हैं अनूठा, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय। ठीक है, निवेदन को कहते हैं विनय, अनुनय, विनय, प्रार्थना, गुजारिश, इल्तजा। और निशा, रात्रि, रैन, रात, निशी, विभावरी। निष्ठुर को कहते हैं निर्दयी, निर्मम, संगदिल, क्रूर, कठोर। नीरस को कहते हैं फीका, बेरस, बेजायका, अस्वाद। नूर को कहते हैं आभा, आलोक, कांति, तेज, प्रकाश। नया को कहते हैं नूतन, नव, नवीन, नव्य। पति का वल्लभ हो जाएगा, स्वामी हो गया, हो जाएगा प्राणाधार, हो जाएगा आर्य पुत्र, हो जाएगा प्राणेश, हो जाएगा प्राण प्रिय, हो जाएगा पत्नी का, भर्ता का भार्य बनेगा, दारा बनेगा, बेगम और कलत्र, प्राण प्रिया, वधु, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी और गृहिणी, बहु, वनिता, जोरु, वामांगिनी बनता है। पंडित का हो जाएगा सुधी, विद्वान, कोविद और बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ और विचक्षण। पुत्र का बनेगा बेटा, लड़का, आत्मजा, सुत, वत्स, तनुज, तनय और नंदन। पार्वती का अपर्णा, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी और शिवा। परिवार का बनेगा कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना। परिवर्तन का बनेगा बदलाव, हेर फेर, तब्दीली, फेर बदल। पत्थर का बनेगा पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल। और पथ का बनेगा मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता।
प्रकाश का बनेगा ज्योति, चमक, प्रभा, छवि और द्युति। पंख का मतलब कीचड़ होता है, कीच, करदम, चहला, और पंख, और जा से मिलकर क्या बनता है, पंकज। और ये एक योगरूढ़ शब्द है, इसका क्या मतलब होता है, कमल। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर पंकज, कमल, राजीव, पद्म, सरोज, नलिन और जलज होता है। ठीक है, पंगु का मतलब होता है अपाहिज, लंगड़ा, विकलांग और अपंग। पत्ते का मतलब होता है आपका पाती, पल्लव और पर्ण। और पथिक का मतलब होता है राही, राहगीर, यात्री, बटोही, मुसाफिर, पंथी। परवाना का मतलब होता है फतिंगा, पतंगा, फुनगा, भुनगा। ठीक है, यानी कीड़ा उड़ने वाला। ठीक है, शलभ। और परिणीति, परिणति का मतलब होता है नतीजा, अंजाम, फल और परिणाम। परिणय का मतलब होता है शादी, विवाह, ब्याह और पाणी ग्रहण। परोपकार का मतलब होता है परहित, भलाई, नेकी, परकाज, परमार्थ और परार्थ। पर्जन्य का मतलब होता है बादल, मेघ, घनश्याम, नीरद, वारिद और जलद। पर्याय का मतलब होता है समानार्थी, एकार्थी और एक और एकार्थवाची। पलटन का मतलब होता है सेना, आर्मी, लश्कर, चमू और फौज। पहेली का प्रहेलिका होता है, पहेली आपका तद्भव है, प्रहेलिका तत्सम है। मुहम्मा, मुकरी, कूट, प्रश्न, बुझव्वल। पाठशाला का मतलब विद्यापीठ, विद्यालय, मदरसा होगा। और पातक का मतलब होता है पाप, अघ, कल्मश और गुनाह। ठीक है, पावस का मतलब होगा वर्षा काल, वर्षा ऋतु, बारिश। पाशविक का मतलब होगा अमानवीय, बर्बर और अमानुषिक और पैशाचिक। पृष्ठ का मतलब हो जाएगा पेज, वर्क, सफहा और पन्ना। और पौरत्स का मतलब होता है पूर्वी, प्राच्य और मशरकी, मतलब जो ईस्टर्न है। ठीक है, ईस्ट से संबंधित है, हो जाता है पौरत्स। प्रजा का हो जाएगा जनता, रियाया, रैयत, प्रजा। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज रोज, हर रोज। प्रतियोगिता का मतलब स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, मुकाबला और होड़। प्रवाद का हो जाएगा अफवाह, किंवदंती, जनश्रुति। प्रहरी का हो जाएगा द्वारपाल, पहरेदार, प्रतिहारी, दरबान, चौकीदार। और विज्ञान, प्राज्ञ का हो जाएगा विद्वान, महाज्ञानी, बुद्धिमान, चतुर। प्रासाद का हो जाएगा महल, राजमहल, राजनिवास और राजभवन। प्रेक्षागृह का हो जाएगा नाट्यगृह, छविगृह, नाट्यशाला, रंगशाला, रंगभूमि और रंगस्थली। पवन का हो जाएगा वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, समीरण और स्पर्शन। ठीक है, फल का हो जाएगा बीज कोष, फलम। फख का आपका हो जाएगा फख या फक्र, इसको कहते हैं गौरव, नाज, गर्व, अभिमान। फजर का मतलब होता है भोर, सवेरा, प्रभात, सहर और सकार। फतेह का सफलता, विजय, जीत, जफर। और फलक को कहते हैं आसमान, आकाश, गगन, नभ, व्योम। ठीक है, और फालिस कहते हैं पक्षाघात, अर्धांग और अधरंग और अंग घात को। फितरत कहते हैं स्वभाव को, प्रकृति को, प्रवृत्ति को, मनोवृत्ति को, मिजाज को। और फूल कहते हैं पुष्प को, सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे ब्रह्मा को कहते हैं विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, आत्मभू, लोकेश, पितामह, चतुरानन, विरंचि, अज, करतार, कमलासन, जो कमल पर आसन लिए हुए, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ। ठीक है, ब्राह्मण, द्विज को, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, भूदेव कहते हैं धरती का देवता, ब्राह्मण को कहा गया है। उसके बाद वाडव कहते हैं, भूमिसुर कहते हैं, भूमिदेव कहते हैं। ठीक है, बहुत का मतलब होता है अनेक, अतीव, अति, बहुल, भूरि, बहु, प्रचुर, अपरिमित, प्रभूत। बादल का मतलब होता है मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, पयोद और पयोधर। ठीक है, बालू का होता है रेत, बालुका और सैकत। बंदर का होता है वानर, कपी, कपीश, मरकट, कीश और शाखामृग। बंजर का मतलब होता है अनुपजाऊ, अनुर्वर और ऊसर। और बखील का मतलब होता है कंजूस, मक्खीचूस, कृपण, खसीस, सूम और मत्सर। उसके बाद बंदी गृह का मतलब होता है जेल, कारावगार, कैद खाना, कारावास कहते हैं। बायस का मतलब होता है कौवा, काग, एकाक्ष। और बैल का मतलब होता है, और बैल का मतलब वृष होता है, वृषभ होता है, ऋषभ होता है और बलिवर्द होता है। और बलदेव का मतलब होता है बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मूसली, रोहिणे और संकर्षण।
बाकी मैं इस वजह से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बहेलिया रह गया। बहेलिया का मतलब होता है आखेटक, आखेट मतलब शिकार, शिकारी आखेटी, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो बंधु हम डिस्कस कर चुके हैं, सहोदर, अग्रज, अनुज, भाई, भ्राता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भय का होता है भीति, डर, विभीषिका। भाई का हो जाता है तात। भाई, ये तात जो शब्द है ये अनेकार्थक शब्द है। तात आपके पिता को भी कह सकते हैं, भाई को भी कह सकते हैं, ठीक है। और भंगुर का मतलब होता है नाशवान, अनित्य, क्षर और विनश्वर। भंडारी का मतलब होता है रसोईया, खानसामा, महाराज और रसोईदार। भंवरे का मतलब हो जाता है भंवरा, भ्रमर, मधुकर, मधुप, मिलिंद, अली, अलिंद और भ्रंग। अभी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था भंवरे का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो सबको जितने सारे पता थे वही इसको कर सकता था, ठीक है। भक्त का मतलब हो जाता है आराधक, अर्चक, पुजारी, उपासक, पूजक। भगिनी का हो जाएगा बहन, बहना, स्वसा, अग्रजा। और भद्र का हो जाएगा शिष्ट, शालीन, कुलीन, सभ्य, सलीकेदार और बासलीका। भविष्य का हो जाएगा भावी, अनागत, भविष्यत काल, मुस्तकबिल और भविष्यद। भारती का हो जाएगा शारदा, सरस्वती, वागदेवी, वीणा वादिनी, विद्या और वागेश्वरी और वागीशा, ठीक है। भाल का हो जाएगा मस्तक, पेशानी, माथा और ललाट। और भाला का हो जाएगा बर्छा, नेजा और कुंत और शलाका, ठीक है। भीष्म का हो जाता है गंगा पुत्र, शांतनु सुत और भीष्म पितामह और देवव्रत। माँ से अगर हम देखें तो मृग का देख ही चुके हैं, हिरण्य सारंग, कृष्ण सार कहते हैं इसको। मूर का अल्पमति, अज्ञानी, अपड़, जड़ कहते हैं। मुर्गे को हम लोग तमचूक कहते हैं और ताम्रचूक भी कहते हैं कहीं के पर, ताम्रचूड़ भी कहते हैं और कुक्कुट भी कहते हैं, ठीक है। अरुण शिखा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लाल चोटी होती है उसकी। आपने देखा है मुर्गे के पास वो लाल रंग का होता है, एक मुकुट टाइप का। मदिरा का हमने नहीं देखा है। मदिरा का मतलब होता है शराब, हाला, आसव, मधु, मद्य, वारुड़ी, सुरा और मंद, ठीक, मद, ठीक है। और मधु का होता है रसा, शहद, कुसुमासव और शहद। मोर का होता है केक, ठीक है, कलापी, नीलकंठ, शिखावल, सारंग। देखिए सारंग मोर का भी होता है, ठीक है, सांप का भी होता है, मोर का भी होता है। ध्वजी कहते हैं इसको, शिखी कहते हैं, मयूर कहते हैं और नर्तक प्रिय कहते हैं, ठीक है। मैना किसको कहते हैं? सारिका को, त्रिलोचना को और मधु, मधुरा लाशा को, कलह प्रिया को, ठीक है। मूंगा होता है प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम और रक्तमणि। मंजुल होता है मोहक, मनोहर, आकर्षक, शोभनीय और सुंदर। मंतव्य होता है अभिमत, सम्मति, राय, सलाह, विचार। मंजूषा होता है संदूक, एक बॉक्स, एक पिटारी, एक पेटी हो सकती है। मकड़ी का मतलब होता है लूता, लूतिका और लूत। और मनीषा का मतलब होता है मति, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, विचार। मत्सर का मतलब होता है द्वेष, ईर्ष्या, कुढ़न, जलन। डाह, मजार का मतलब मकबरा, समाधि, कब्र, इमामबाड़ा, ये सब कहते हैं, ठीक है। मरघट किसको कहते हैं? श्मशान घाट को, श्मशान को, मसान को, मसान फिल्म भी आई थी। मरहूम होता है स्वर्गवासी, मृत, दिवंगत। मराल होता है हंस, राजहंस, सित पक्ष और धवल पक्ष, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है मराल। मारुत देख चुके हैं, पवन के होते हैं, मशहूर, सभी को पता है यहाँ पर जो भी होगा। महाभारत को भारत जयकाव्य कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं, जय भी कहते हैं। जय पहले नाम से लिखा जा रहा था, आपको ने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो एंशियंट तो पता होगा, पहले जय ही लिखते थे इसको। जब इसमें और भी सब कंपाइलेशन जोड़े गए तब इसको महाभारत कहा गया। मिथुन, युग्म कहते हैं, युगल कहते हैं, जोड़ा कहते हैं, यमल कहते हैं, ठीक है। और मुकुट मतलब होता है ताज, उष्णीष और किरीट और राजमुकुट। और मुगालता का मतलब होता है भ्रांति, भ्रम, गलत फहमी और मति भ्रम, यानी कि इल्यूजन। यम के बाकी सारे तो आपको पता होंगे, सूर्य, पुत्र, जीवितेश, आपको कीनाश नहीं पता होगा, याद रखिएगा। यमुना के हमने नहीं देखे अभी तक। कालिंदी कहते हैं, सूर्य सुता कहते हैं, रवि तन्या कहते हैं, तनरणी तनुजा कहते हैं, तनरणिजा कहते हैं, अर्कजा कहते हैं, भानुजा कहते हैं, ठीक है। ये भानु मतलब सूर्य होता है और अर्क मतलब सूर्य होता है और रवि मतलब सूर्य होता है, ये आपको पता है। यज्ञोपवीत किसको कहते हैं? जनेऊ को, उपवीत को, ब्रह्मसूत्र को। यशस्वी किसको कहते हैं? मशहूर को, विख्यात को, नामवर को, कीर्तिवान को। याज्ञ सैनी किसको कहते हैं? द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। द्रौपदी को कृष्णा भी कहते हैं, सैरंध्री भी कहते हैं, द्रौपदी भी कहते हैं, पांचाली भी कहते हैं, द्रुपद सुता भी कहते हैं। याद को कहते हैं स्मृति, स्मरण, स्मरण, स्मरण शक्ति, शुद्ध और याददाश्त। युद्ध किसको कहते हैं? संग्राम को, संघर्ष को, समर को, लड़ाई को, रण को और द्वंद को।
और योशा किसको कहते हैं, नारी को, नारी के जितने भी होते हैं उसमें योशा भी जोड़ लीजिए, ठीक है। और योम का मतलब क्या होता है, दिवस। और युवती का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, सुंदरी, युवती, ये सब। रा से हम बाकी सारे तो देख ही चुके हैं, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रमा का होगा। रमा के जितने पर्यायवाची हो जाते हैं वो किसके होते हैं, लक्ष्मी के। लक्ष्मी, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, समुद्र से जन्म लेने वाली, क्षीरोदतन्या, ठीक है। और रामचंद्र का मतलब होता है अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघु, रघु से जितने होंगे वो सीधे होते हैं रामचंद्र के, ठीक है। कौशल्या नंदन को बोलते हैं, कमलेंद्र बोलते हैं। और रावण के कितने होते हैं, काफी सारे इसके भी होते हैं, लंकेश, लंकापति, दशीश, दसकंध, और दैतेंद्र कहते हैं, राधिका को कहते हैं ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा, ठीक है, वृषभ की बहन। वृषभानुजा क्यों कहते हैं इसको, बता सकता है कोई हमको, कमेंट में बताइए क्यों कहते हैं वृषभानुजा। राक्षस कहते हैं दैत्य को, असुर को, निशाचर को, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर जो है हमको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख करके बता सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। स्वच्छ का क्या होगा, बादल का क्या होगा, और शाश्वत का क्या होगा, व्यवहार और मत शब्दों में सही पर्याय कौन सा है, बता सकते हैं आप हमको लिख करके कमेंट में, ठीक है। आपके सी सेट के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से, ठीक है। या तो पर्यायवाची पूछेंगे कि कौन सा है, और या तो पूछेंगे कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरह के प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे आपको। इसमें पूछा है सुधाकर किसका पर्यायवाची है, तो सुधाकर पर्यायवाची किसका होता है, चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है, मयंक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। दिनेश किसका होता है, ये सूर्य का होता है, ठीक है। अद्भुत किसका समानार्थी नहीं है, ठीक है, अद्भुत अद्वितीय का है, आश्चर्यजनक का है, ठीक है, अपूर्व का भी है लेकिन भयानक का नहीं है, ठीक है। जीव का पर्यायवाची कौन सा है, जीव का पर्यायवाची है आपका रसना, ठीक है, रसना, रसज्ञा, ठीक है, ये होता है जीव का पर्यायवाची। बाकी ध्वनि और वर्ण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जीव अलग है। फूल किसका समानार्थी नहीं है, तो फूल के हमने बहुत सारे समानार्थी पढ़े हैं, पुष्प, प्रसून, मंजरी। पुष्प है, प्रसून है, मंजरी भी है, इंदीवर नहीं है, ऑप्शन नंबर टी। आगे पूछ सकते हैं कि शिव का पर्यायवाची कौन सा है, तो शिव का पर्यायवाची क्या षडानन है, नहीं, रुद्राक्ष, ये भी नहीं, क्या हरि है, ये भी नहीं। हरि किसका है, विष्णु का होता है, ठीक है। तो चंद्रचूड़ है किसका, शिव का पर्यायवाची। चंद्र जिसने अपने चूड़ पर, अपने मस्तक पर धारण किया है वो है शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा कर्ण का समानार्थी नहीं है, तो कर्ण को सूतपुत्र भी कहते हैं, कर्ण अंग का राजा था इसलिए अंगराज भी कहते हैं, कर्ण राधा का पुत्र था इसलिए राधा भी, राधेय भी कहते हैं, मतलब राधा ने पालन पोषण किया था तो राधेय कहते हैं उसको। धनंजय नहीं है, धनंजय किसका है, ये अर्जुन का है, ठीक है, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। कल्पद्रुम किसका पर्यायवाची है, कल्पद्रुम कहते हैं हम लोग, कल्पद्रुम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कल्पद्रुम कहते हैं हम लोग पारिजात को, हम लोग कहते हैं कल्पवृक्ष को, और इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं लेकिन इसको हरिचंदन नहीं कहते, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। सूर्य किसका पर्यायवाची है, तो सूर्य पर्यायवाची है आपका उपरोक्त सभी का, इसको दिनेश भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, और अंशुमाली भी कहते हैं। भा का मतलब क्या होता है, किरण होता है, और अंशु का मतलब क्या होता है, अंशु का मतलब भी किरण होता है। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौमुदी ये है, चंद्रप्रभा भी है, चंद्रहास भी है, लेकिन ज्योत्सना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जिज्ञासा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जिज्ञासा का पर्यायवाची होता है उत्सुकता, उत्कंठा, कुतूहल, लेकिन वृत्ति का नहीं होती है। अनेकार्थक पर आ जाते हैं हम, अनेकार्थी में क्या होगा, एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, ठीक है, पर समानार्थी में क्या समझ रहे थे हम, एक समान अर्थ। आ जाते हैं ऑप्शंस पर, मतलब आपके लिस्टिंग पर, तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। अपवाद का मतलब क्या होता है, अपवाद का मतलब है जो सामान्य नियम से विरुद्ध होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है, उसमें कुछ जो होते हैं एलिमेंट वो सारे नियम नहीं फॉलो करते, उनको एक्सेप्शन कह देते हैं या अपवाद कह देते हैं, लेकिन अपवाद को हमारी हिंदी में कलंक भी कहते हैं, ठीक है। और अतिथि किसको कहते हैं, मेहमान को कहते हैं, और साधु होता है वो भी आपका अतिथि हो सकता है, अगर कहीं से भूला भटका साधु आ गया तो वो अतिथि होता है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपका अतिथि हो सकता है जो आपकी शरण में आया हो। यज्ञ में सोमलता लाने वाला भी अतिथि होता है, अग्नि अतिथि कहा गया है इसको। राम के पोते को या कुश के बेटे को भी अतिथि कहा गया है।
अरुण लाल को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, लाल रंग को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, सूर्य का सारथी अरुण है। आपत्ति विपत्ति को भी कभी कभी कहते हैं, ये स्पेशल केसेस में कहेंगे, ठीक है। और ऐतराज को भी कहते हैं, किसी की लगाई गई आपत्ति आपके लिए विपत्ति बन सकती है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे बना करके चलिए। अपेक्षा होता है इच्छा, आवश्यकता और आशा, ठीक है, तीनों ही सेंस में आता है। आराम का मतलब होता है विश्राम करना, रोग से दूर रहना, और बाग भी होता है आराम का मतलब। अंक का मतलब भाग भी होता है, गिनती में जो अंक होते हैं नंबर, नाटक के भी अंक होते हैं संख्या और गोद, ठीक है। अंक को गोद में कहते हैं, जैसे उसने उसे अंक में भर लिया, यानी कि उसने गोद में ले लिया, ठीक है। उसके बाद अंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम में। अंबर का मतलब एक तो आकाश होता है, इसको अमृत भी मानते हैं और वस्त्र भी कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पीताम्बर। पीत और अंबर शब्द से मिलकर के बना है आपका पीताम्बर, उसमें दीर्घ संधि लगती है। इसका मतलब क्या होता है, पीला वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र, जिसने पीला वस्त्र धारण किया हो, तो ये कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पीताम्बर अंबर से मिलकर के बना है, अंबर यानी कि वस्त्र कपड़े। और अनंत का मतलब आकाश भी होता है, ईश्वर भी अनंत है, विष्णु भी अनंत है, ठीक है, और शेषनाग भी अनंत है। अर्थ का मतलब मतलब भी होता है, अर्थ का कारण भी होता है, अर्थ का मतलब लिए भी होता है, और भाव भी होता है अभिप्राय, और अर्थ का मतलब धन भी होता है। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो वो अर्थ धन भी होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है, ठीक है। अवकाश का मतलब छुट्टी भी होता है, और इसका मतलब अवसर भी होता है, और अंतराल भी होता है, ठीक है। आम का मतलब आम का फल भी होता है, और आम साधारण को भी बोलते हैं, हम लोग आम बोलते हैं खुद को कि हम आम आदमी हैं, हम मैंगो पीपल हैं, जैसे एक बार टर्म दिया था किसी ने, अरविंद केजरीवाल ने दिया था शायद, मुझे नहीं याद है पूरा। सर्वसाधारण मामूली सामान्य। अंतर का मतलब होता है शेष दूरी, अंतर को हृदय भी बोलते हैं और भेद भी बोलते हैं, मतलब भेद यानी कि अंतर, जो डिफरेंस होता है। और अधर, अधर का मतलब धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है अधर, इसको पाताल भी कहते हैं, और इसको नीचे का होंठ भी मानते हैं, मतलब आपके दो होंठ होते हैं, जो निचला वाला होता है उसको अधर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर, उत्तर दिशा भी होती है, जवाब भी होता है, हल भी होता है, अतीत भी होता है, पिछला भी होता है, और बाद का, ठीक है। कर का मतलब हाथ भी होता है, जैसे उसने अपने, आपने उसमें पढ़ा होगा जो कहीं पर उद्घाटन होता है, तो जो काली वाली पत्थर की प्लेट बनाई जाती है, उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखी रहती है चीज कि फला फला के कर कमलों से, ठीक है, कर कमलों से इस फला बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, फला फला चीज का उद्घाटन हुआ, फला हॉल का उद्घाटन हुआ, लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। तो कर कमलों का क्या मतलब है कि कमल रूपी हाथ, ठीक है, कमल जैसे हाथों से उन्होंने उद्घाटन किया। तो कर हाथ को भी कहते हैं, कर टैक्स भी कहते हैं, ये कर वो कर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि टैक्स। कर को किरण भी बोलते हैं, और कर को सूंड भी बोलते हैं, ठीक है, किसकी सूंड, हाथी की। उसके बाद काल, काल समय को भी बोलते हैं, मृत्यु को भी बोलते हैं, और यमराज को तो बोलते ही हैं। कला का मतलब अंश भी होता है, किसी कार्य को अच्छे से करने का कौशल भी कला होता है। कर्ण का मतलब कान भी होता है आपका, और कर्ण किसका नाम भी है, ठीक है। कर्ण किसका नाम है, आपने महाभारत के करेक्टर का नाम है। और कुशल का मतलब होता है खैरियत, तो चतुर। कल का मतलब होता है बीता हुआ कल या आने वाला कल, और कल मशीन को भी बोलते हैं, हम बोलते हैं कल पुर्जे, तो यानी कि मशीन के पुर्जे। उसके बाद अगर हम देखें तो कनक का मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, और गेहूं भी होता है। कनक कई बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट वाला वर्ड है। कुशल का मतलब खैरियत चतुर। उसके बाद अगर हम देखें तो खग का मतलब पक्षी भी होता है, खग तारों को भी कहते हैं, गंधर्व को भी कहते हैं, और खग का मतलब बाण भी होता है, ठीक है। खर का मतलब दुष्ट भी होता है, गधा भी होता है, तिनका भी होता है, और खर एक राक्षस का नाम भी है। आगे गण का मतलब समूह भी होता है, जैसे प्राचीन काल में गण होते थे, ठीक है, शाक गण से थे आपके गौतम बुद्ध। मनुष्य, भूत प्रेत, प्रेत शिव के गण और पिंगल के गण, ठीक है। और गुरु शिक्षक को भी कहते हैं, ग्रह विशेष को भी कहते हैं, मतलब जो ग्रह है उसका नाम भी गुरु है। गुरु एक श्रेष्ठ को भी कह सकते हैं, गुरु बृहस्पति को कहते हैं। और आपका गुरु का मतलब भारी भी होता है, बड़ा भी होता है, और भार भी होता है गुरु, ठीक है। उसके बाद गो किसको कहते हैं, गो बाण को भी कहते हैं, वज्र को भी कहते हैं, गाय को भी कहते हैं, पृथ्वी को भी, सरस्वती को भी, सूर्य को भी, और बैल को भी। गुण कौशल को कहते हैं, शील को भी कहते हैं, रस्सी को भी कहते हैं, स्वभाव को, और धनुष की डोरी को भी गुण कहते हैं।
गति किसको कहते हैं? चाल को, दशा को, मोक्ष को भी और हालत को भी। उसके बाद घन किसको कहते हैं? बादल को, ठीक है। और अधिक भी का मतलब भी घन होता है, घने का मतलब भी घन होता है, गणित में जो घन यूज करते हैं वो भी घन होता है, और पिंड भी घन होता है, हथौड़ा भी घन होता है, ठीक है। जलज का मतलब कमल होता है, जलज का मतलब मोती भी होता है, क्योंकि मोती भी एक तरह से जल में जन्म लेता है, शंख भी होता है जल में जन्म लेता है, मछली जल में रहती है जल में जन्मती है, मतलब जो चीज जल में जन्मेगी उसको जलज कहना कोई वो नहीं है, ठीक है। जलज चंद्रमा को भी कह देते हैं। जाल, जाल किसको कहते हैं? फरेब को भी कहते हैं, बुनावट को भी कहते हैं, और जीवन को जल कहते हैं, जीवन को प्राण कहते हैं, जल ही जीवन है कहते हैं, तो जीवन जल एक दूसरे के जो है आ जाते हैं अनेकार्थी में। और जड़ का मतलब क्या होता है? मूल भी होता है, मूर्ख भी होता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है पति का बड़ा भाई, और ज्येष्ठ एक हिंदी का महीना भी होता है, और ज्येष्ठ का मतलब बड़ा भी होता है, जैसे ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, तो मतलब बड़ा पुत्र। तीर का मतलब बाण भी होता है, किनारा भी होता है, तट भी होता है। तारे का मतलब होता है आँख की पुतली, तारे का मतलब नक्षत्र, और तारा का मतलब बलि की पत्नी, बाली की पत्नी, और बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा। और दंड का मतलब होता है सजा, दंड का मतलब डंडा, और दंड एक व्यायाम भी होता है, दंड बैठक करवाते हैं ना, तो व्यायाम भी होता है एक। दल का मतलब होता है समूह, सेना, पत्ता, हिस्सा, पक्ष, भाग और चिड़ी। द्रव्य का मतलब वस्तु भी होता है, धन भी होता है। धन एक धन संपत्ति को भी कहते हैं, और धन योग को भी कहते हैं, ठीक है। और धर्म प्रकृति को भी कहते हैं, स्वभाव को भी कहते हैं धर्म, ये तो उसका धर्म है यानी कि उसका स्वभाव है। कर्तव्य को भी कहते हैं धर्म, और संप्रदाय को भी धर्म कहते हैं। नाग का मतलब होता है हाथी और सांप दोनों, ठीक है। तो हाथी को भी नाग कह सकते हो आप, और सांप को तो कहते ही हैं हम लोग। निशाचर का मतलब होता है राक्षस, प्रेत, उल्लू और चोर। निशाचर क्यों कहते हैं उल्लू को? क्योंकि रात्रि में चलता है, जो भी चीज रात्रि में चलेगी वो निशाचर होगी। निशाचर राक्षस होते हैं, राक्षस रातों में विचरण करते हैं, प्रेत रातों में रात पसंद होती है, उल्लू को रात पसंद होती है। पद का मतलब होता है चरण भी, पद का मतलब शब्द भी होता है, जैसे पद हमको पढ़ने होते हैं, संज्ञा पद, क्रिया पद, ठीक है। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है पद, UP SSC वाले में होते हैं। और कविता का चरण भी होता है पद। पानी का मतलब होता है जल, चमक, इज्जत। और पक्ष का मतलब होता है 15 दिन का समय। पक्ष का मतलब पंख होता है, बल, सहाय और पार्टी। पत्र का मतलब पत्ता होता है, चिट्ठी होता है, पंख होता है। और पृष्ठ का मतलब होता है पीठ, और पृष्ठ का मतलब पन्ना होता है, और पीछे का भाग भी होता है। प्रभाव का मतलब होता है सामर्थ्य, और प्रभाव का मतलब असर भी होता है, प्रभाव का मतलब दबाव भी होता है। अच्छा, ये अलग अलग सेंटेंस में आप यूज करोगे, जैसे कि आपने कहा कि दवा का प्रभाव हुआ यानी कि दवा का असर हुआ, उसका उस इलाके में बहुत प्रभाव है, इसका मतलब उसका उस इलाके में काफी मान है, काफी महिमा है, काफी दबाव है उसका, ठीक है। पय का मतलब दूध भी होता है, पानी भी होता है। पय हम लोग दूध को भी कहते हैं, और पय पानी को भी कहते हैं, ठीक है। पतंग का मतलब सूर्य होता है, पक्षी होता है, टिड्डी होती है, पतंगा और गुड्डी। और पतंग सूर्य को भी कहते हैं, ठीक है। और पतंग हम लोग किसको कहते हैं? नाव को भी कहते हैं, और टिड्डी को भी कहते हैं पतंग, और पक्षी को भी पतंग कहते हैं, ठीक है। फल का मतलब लाभ होता है, मेवा तो होता ही है, और नतीजा भी होता है, और भाले की नोक को भी फल कहते हैं। और बल का मतलब सेना भी होता है, शक्ति भी होता है। और बलि किसको कहते हैं? राजा बलि थे, उनको भी बलि का मतलब बलिदान होता है, बलि का मतलब उपहार भी होता है। पहले प्राचीन काल में बलि जो है उपहार स्वरूप दी जाती थी। मुद्रा का हो जाएगा आपका मुहर, आकृति और धन। भाग किसको कहते हैं? हिस्से को कहते हैं भाग, विभाजन को भी भाग कहते हैं, और कुछ लोग भाग को भी जो है थोड़ा सा तद्भव के फॉर्म में भाग कह देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भाग में तो यही लिखा था, यानी कि हमारे भाग में यही लिखा था, ऐसा लोग कह देते हैं। और मान का मतलब इज्जत भी होता है, मान का मतलब अभिमान भी होता है, और मान का मतलब नाप तौल भी होता है। मत का मतलब राय भी होता है, मत का मतलब आप जो वोट डालते हैं वो भी होता है, और मत का मतलब नहीं भी होता है, जैसे ये काम मत करो यानी कि ये काम नहीं करो, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि मित्र, तो मित्र जो है ये सूर्य को भी कहते हैं, ठीक है, और दोस्त को मित्र भी कहते ही हैं। महावीर हनुमान को भी कहते हैं, जैन तीर्थंकर को भी कहते हैं, और महावीर बहुत बलवान व्यक्ति को भी कहते हैं। आगे मूक दिया हुआ है, मूक का मतलब होता है गूंगा, चुप या विवश। मूक विवश को भी कहते हैं, जरूरी नहीं कि वो मतलब वो अपनी जबान गंवा चुका हो।
मूक व्यक्ति जो विवश व्यक्ति भी होता है, जो कुछ ना कर पाए, कुछ बोल ना पाए किसी के आगे, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, तो वो जो है मूक ही हो जाता है। उसके बाद योग का मतलब हो जाता है नियम, और योग का मतलब उपाय होता है, योग का मतलब मिलन होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। उसके बाद राशि, राशि का मतलब समूह होता है, मेष होता है, कर्क होता है और बाकी राशियां, ठीक है। और आपका जो है रस का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, काव्य में जो नौ रस होते हैं वो भी रस होते हैं, रस का मतलब स्वाद होता है और रस का मतलब सार होता है, ठीक है। जैसे कि उसने मुझे कथा रस बताया, तो यानी कि उसने मुझे कथा का सार बताया। लक्ष्य का मतलब निशाना भी होता है, लक्ष्य का मतलब आपका उद्देश्य भी होता है। वर का मतलब दूल्हा भी होता है, वर का मतलब वरदान भी होता है, वर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। उसके बाद आप देखोगे कि वर्ण का मतलब जाति भी होता है, वर्ण आपका लेटर वैदिक काल में जाति के लिए काफी जो है प्रसिद्ध हुआ है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, यानी कि आपकी स्किन का कलर, और वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। यही तीन होते हैं, इन्हीं तीन को लोग भूलते रहते हैं, इनको नहीं भूलिएगा आप। विग्रह का मतलब होता है लड़ाई, किसी से लड़ाई हो गई यानी कि आप उससे अलग हो गए, आप उससे विग्रह हो गए। विग्रह का मतलब देवता की मूर्ति भी होता है, और विग्रह का मतलब शरीर भी होता है। और विषम का मतलब होता है जो समान ना हो, विषम का मतलब भीषण भी होता है, और विषम का मतलब कठिन भी होता है। लोग कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में वो आगे बढ़ा, यानी कि कठिन परिस्थितियों में वो आगे बढ़ा। वन का मतलब जंगल भी होता है, वन का मतलब आपका जल भी होता है। विरोध का मतलब होता है वैर, और विरोध का मतलब होता है विपरीत भाव। विधि का मतलब कानून होता है, रीति होता है, ईश्वर होता है, भाग्य और ढंग, ठीक है। विजया का मतलब दुर्गा होता है, विजया का मतलब भांग भी होता है। और वार का मतलब होता है प्रहार, और वार का मतलब बारी भी होता है, और दिन भी होता है, जैसे रविवार, इतवार, शनिवार, शुक्रवार। शिव का मतलब मंगल भी होता है, महादेव तो होता भी है, और शिव का मतलब भाग्यशाली भी होता है। शुद्ध का मतलब पवित्र होता है, शुद्ध मतलब ठीक, जैसे कोई चीज़ शुद्ध है यानी कि ठीक है वो, और जिसमें अल्ट्रेशन ना हो, जिसमें मिलावट ना हो। सर का मतलब तालाब भी होता है, सर का मतलब सिर भी होता है, और सर का मतलब पराजित भी होता है। सेहत का मतलब सुख भी, स्वास्थ्य भी, और रोगों से छुटकारा। सुधा का मतलब अमृत होता है, सुधा पानी भी होता है। संज्ञा का मतलब नाम होता है, और संज्ञा का मतलब चेतना भी होता है, ठीक है। शक्ति का मतलब होता है देवी, और शक्ति का मतलब योग्यता होता है, शक्ति का मतलब प्रभाव होता है, और शक्ति का मतलब बल। सारंग का मतलब हाथी भी होता है, मोर भी होता है, सूर्य भी होता है, कामदेव भी होता है, सिंह भी होता है, धनुष भी होता है, भंवरा भी होता है, मधुमक्खी भी होता है, कमल भी होता है, ठीक है। बहुत होते हैं, इसके 11 होते हैं करीब, मैंने आपको बताया। इसमें मयूर यानी मोर भी शामिल कर लीजिए आप, ठीक है। सारंग का मतलब सांप भी होता है, ये भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। उसके अलावा स्थूल का मतलब मोटा होता है, सहज में दिखाई देने या समझ में आने योग्य होता है स्थूल, मतलब तो जल्दी दिख जाए। जो चीज़ सूक्ष्म होगी वो नहीं जल्दी समझ में आएगी, वो विश्लेषण करने के बाद समझ में आएगी। तो स्थूल का आपका क्या होता है, विलोम, ये होता है सूक्ष्म। तो अभी हम विलोम शब्द भी देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन आया करता है आपके एग्जाम में। स्नेह का मतलब होता है चिकनाई भी यानी लुब्रिकेशन, और स्नेह का मतलब तेल भी होता है, और स्नेह का मतलब प्रेम भी होता है। हार का मतलब आभूषण भी होता है, हार का मतलब पराजय तो होता ही है। हंस का मतलब प्राण भी होता है, और हंस एक पक्षी भी होता है, ठीक है। हस्ती का मतलब हाथी भी होता है, हस्ती का मतलब अस्तित्व भी होता है, जैसे वो महान हस्ती थे यानी कि महान अस्तित्व था उनका। हरकत का मतलब गति भी होता है, चेष्टा भी होता है, नटखटपन भी होता है। हीन का मतलब रहित, यानी कि जैसे शक्तिहीन अगर कोई है तो यानी कि उसमें कोई बल नहीं बाकी है। और हीन का मतलब दीनहीन व्यक्ति भी होता है, हीन का मतलब कोई बुरा व्यक्ति भी होता है, ठीक है। नीच व्यक्तियों को भी हीन व्यक्ति कह देते हैं। हरि का मतलब हाथी भी होता है, विष्णु भी होता है, पहाड़ भी होता है, सिंह यानी कि आपका शेर भी होता है, इंद्र भी होता है, घोड़ा भी होता है, सर्प भी होता है, बंदर भी होता है, मेंढक भी होता है, यमराज भी होता है, शिव भी होता है, किरण भी होती है, कोयल भी होती है, और हंस भी होता है। तो हरि के बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके ज्यादा होते हैं वही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे वो हो गए अनेकार्थी। हरि का मतलब हंस भी, कोयल भी, किरण भी, कृष्ण भी, बंदर भी, मेंढक भी, घोड़ा भी, इंद्र भी, सिंह भी, पहाड़ भी और हाथी भी।